रोशनी नजर आ रहा है, यंग है, जवान है। दीदी जी बाजार जा रहे हैं, कुछ काम करने सौ कुछ नहीं जा रही है, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिएगा। नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से आप सबकी भौजी सोनम भौजी आप लोगों के साथ है सिल्क टीवी पे। आप देख सकते हैं अभी हम आए हैं यहाँ पे उल्टा पुल पे खड़े हैं, और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव का मौसम है और नेताजी लोग एकदम कुलबुला रहे हैं कि किधर जाएं किधर जाएं, तो ऐसे में जो है कि उसके मन में जो है उछल कूद हो रहा होगा, और ऐसे में जनता के मन में भी पूरा उथल पुथल मचा होगा कि इबार के आएगा सत्ता में, के नेता बनेगा, के हमारा सरकार बनेगा। तो जो है जनता का बात तो जनते ने बताएगा जी। चलिए पूछते हैं जनता सबसे, आइए चलिए। हाँ तो भैया जी आप ये बताइए कि चुनावी हवा बह रहा है तो आप किस तरह बह रहे हैं? हम जिस तरह भागलपुर में उस तरह बह रहे हैं। अच्छा चलिए आप भागलपुर की तरफ बह रहे हैं, और आप बताइए भैया आप किधर जो है कि किसको कुंज आप किसको जो है कि वोट दीजिएगा? अभी मेरा उम्रे नहीं हुआ वोट देने, उम्रे नहीं हुआ है भैया जी का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे काफी लोग दिख रहे हैं और जानते हैं जनता की राय। एक अंकल जी दिख रहे हैं, अंकल जी आप ये बताइए कि चुनाव का समय है, पूरे बिहार में चुनाव का माहौल है, तो आप अभी किस माहौल में है, आपके मन में क्या चल रहा है कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो? मेरा माहौल है कि मतलब युवा को जो रोजगार देगा, यहाँ फैक्ट्री बैठाएगा, उसके शिक्षा पे काम करेगा, उसी को वोट मिलेगा। अच्छा चलिए, जो चाचा जी का कहना है कि जो शिक्षा का माहौल बनाए वैसा सरकार, आइए चलते हैं। भैया जी दिख रहे हैं, तब भैया जी आप बताइए कि आप जो है कि कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपने लिए? अच्छा चाहते हैं, काम उम जाते हैं और क्या, ये सब चाहते हैं। अभी ये 6 महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम उम नहीं है, बैठे हुए। चलिए मतलब बेरोजगारी की बात है तो भाई ध्यान तो देना जरूरी है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी मन की बात क्या बताएं। और दीदी जी लोग दिख रही है, दीदी जी आप बताइए कि आप जो है अपना जनप्रतिनिधि किसे चुनते हैं? ये तो जो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बोले। और दीदी जी एक और दीदी कही, ये अभी तेजी में जा रही है, लग रहा है बाप रे सब डर से भाग रहे, कोरोना के डर से तो नहीं भाग रहे पता नहीं, आइए पूछते हैं। और भैया जी रुकिए आप ये बताइए कि चुनाव का माहौल चल रहा है और जनता नेता जो है कि चुनावी माहौल में कोई इधर बह रहे हैं कोई उधर बह रहे हैं, तो आप किस तरह बह रहे हैं ये बताइए। हम अपने पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। पढ़ाई की ओर, मतलब कि आप अपने लिए कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अच्छा जो देश को आगे बढ़ाए। जो देश को आगे बढ़ाए, चलिए जो देश को आगे बढ़ाए। सब एकदम तेजी में भागे जा रहे हैं, लग रहा है हमको कोरोना हो गया है। हेलो आंटी जी, आप जो है कि चुनाव का समय चल रहा है तो आप ये बताइए कि इस बार जो है किसको वोट दे रहे हैं आप? आप अपने लिए कैसा सरकार चाहते हैं? बढ़िया हो। और हेलो आप ये बताइए कि जो है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, पूरे बिहार में चुनाव का उत्सव है, तो जो है कि आपके मन में क्या है आपके जनप्रतिनिधि को लेकर? जी जनप्रतिनिधि हम लोग तो तेजस्वी को देंगे, राजद को हम लोग जो है ना चुन रहे हैं, क्योंकि नीतीश सरकार के उन्हें कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश सरकार जो है कि नीतीश चाचा जो अच्छे नहीं है? नहीं हम लोग जो है ना अच्छा और खराब नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार उतने हैं, क्या शिकायत मिल रही है आप बताइए चाचा? ये घोटाला वो घोटाला, खाली घोटाले है। मतलब खाली जो बिहार पूरा घोटाले से भरा हुआ है, बिना घोटाला वाला कौन है चाचा जी बताइए? अभी तो हम लोग को तेजस्वी नजर आ रहा है, यंग है, जवान है, नया चेहरा है। अच्छा तो तेजस्वी जी नजर आ रहे हैं युवा पीढ़ी को लेकर, आंटी जी नजर आ रही है, तो आंटी जी आप ये बताइए कि जो है कि बिहार में चुनाव का माहौल है आपके भागलपुर शहर के लिए, आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? सबसे अच्छा चाहिए। सब अच्छा चाहिए। और आप बताइए दीदी जी आपको जो है कि आप युवा मतलब पीढ़ी से लग रही है तो आप अपने आपके मन में भी कुछ सवाल होगा? मेरे में वाला सवाल तो अच्छा है कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ सही रहे। और आगे अभी तो कुछ जा रहे बाजार जा रहे कोई काम के लिए। अच्छा दीदी जी बाजार जा रहे कुछ काम के लिए, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? अच्छा हमारे लिए भी कुछ लेते आइएगा, ठीक है यही मिलेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। हेलो आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सद्दाम है। अच्छा सद्दाम है। आप ये बताइए कि जो है कि अभी आप काम क्या करते हैं?
फल का काम करते हैं। आपके यहाँ जो मतलब चुनाव शुरू होने वाला है, प्रक्रिया सारी शुरू हो गई है, तो आपको कैसा जनप्रतिनिधि लगता है कि आपको क्या होना चाहिए? इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, जो होगा आप लोग के ये है ना, परिवर्तन तो परिवर्तन होना चाहिए। जो जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलना चाहिए ना, जो जैसे चल रहा है उसे भी आप होना चाहिए, ऐसे भी ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये चाचा जी से पूछते हैं। तब चाचा जी आप ये बताइए कि क्या परिवर्तन होना चाहिए जो अभी चुनाव शुरू होने जा रहा है? परिवर्तन तो समय समय से होता ही है जी जी, और रहा के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हम कैसे कह दें? जैसा कि आप मतलब जान रहे कि चुनाव जो हमेशा कभी जाति को मुद्दा बनाया जाता है, कभी धर्म को, कोई भी, तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार मतलब कैसा कुछ परिवर्तन हो, आपको सत्ता बदले या कैसा लगता है आपको? सत्ता बदलने की बात है तो हम तो नहीं कर सकते हैं। मतलब आप तो अभी तो आबादी है जिस देश के, तो आपसे ही तो है, आपका एक वोट से जो है कि सरकार गिरती है और बनती है, तो आप आपका एक वोट बहुत कीमती है, तो आप बताइए। कीमती है तो वोट तो मैं दूंगा ही जी। हाँ, और रहा सवाल की किसको दूंगा, वो तो समय ही बताता है, समय ही बताएगा, और बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो जनता पर, समय बताएगा, बदलेगा नहीं जनता बताएगी। फिर भी आप भी जनता है इसीलिए पूछ रहे थे। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। उधर से और भी आदमी लोग आते हुए दिख रहे हैं। अरे हाल चाल पूछ रहे, बताइए, कोरोना का समय है, ठीक है ना? मास्क कहाँ लगाए हैं? नहीं लिए हैं, भूल गए हैं। कितना बढ़िया काम करते हैं, बताइए, कोरोना हो जाएगा क्या देखेगा? और आप बताइए चाचा, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। क्या करते हैं? जी रहे हैं। और कौन चीज़? कोरोना में जी रहे हैं। वोट होने से मतलब कि चुनाव का समय है, तो कैसा नेता चाहते हैं? वैसा नेता जो ईमानदार, साफ सुथरा, छवि वाला हो, जो हमारे यानी कि विकास कार्य को जो है आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आया कुछ भी। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया चाचा जी को? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। कोरोना से लोग मर रहा है, लॉकडाउन का कुछ समझ में नहीं आया, ये लॉकडाउन कैसा हुआ, लॉकडाउन फिर अनलॉकडाउन हो गया। हेलो आंटी जी, इनको तो लॉकडाउन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है अभी चुनाव में? क्या समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? और आप पहले मास्क नहीं लगाए हैं, बताइए, ऐसे घूम रहे रोड पे, आप कैसा नेता चुन रहे हैं इस बार? वो जो मेरा जो चुनेगा घर वाला, उसी को न चुने। घर वाला कहा है आपको जो है कि वोट देने नहीं जाना है क्या? हाँ जाएंगे नहीं तो? हाँ तो जाएंगे नहीं तो? अरे चलिए, तो वोट देने जाइए। और जो है कि आप कैसा नेता चाहते हैं? जो कि अच्छा कर रहा है नेता, और कैसा? अच्छा, दादी जी से पूछ लेते हैं, आप बताइए दादी कि आपको वृद्धा पेंशन सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा, गए नहीं थे क्या शिकायत क्या? अभी सबके ऊपर पे हम है, मेरे ऊपर? हाँ। हम सरकार थोड़े हैं, तब क्या है, हम तो आपका बात सरकार तक पहुंचाने आए ना। हाँ, तो सरकार आया पहुंचाने के लिए, तो मेरा सबको देखो, वही तो देखने आए, आपका क्या शिकायत है? हाँ। बोलिए, हम आपका बात पहुँचाए कि मेरा आदमी है, हम कहाँ कमावेंगे आप बेटा? हाँ, ये बात तो है, तुम ही सबके भरोसा हम कुत्ता है। अच्छा चलिए, तो अच्छा सरकार चुनिए, अच्छा भविष्य बनाइए। अच्छा, तो मोदी सरकार है जो, आगे चलते हैं कि चुनाव का समय है, आप लोग बिना मास्क लगाए कहाँ घूम रहे हैं? भूल गए दीदी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, मार्केट में ले लीजिएगा, ज्यादा दाम में नहीं मिलता है। और चलिए, जो है कि एक दिख रहे हैं यहाँ पे केले वाले, दिख रहे हैं, आइए पूछते हैं। हेलो भैया, केला कैसे है? 15 रुपया। तब और बताइए अंकल जी, आप ये बताइए कि जो है कि कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? डॉटवर्ड से। अच्छा, तो आप बताइए, चुनाव का माहौल है, जो चुनाव का जो समय चल रहा है, तो ऐसे में आपके मन में भी कुछ चल रहा होगा? चुनाव है कुछ, ये तो राजनीतिक है, चुनाव अभी करने का ही नहीं, स्कूल खोल दिए, बच्चे का भविष्य देखे हैं, बच्चे का फीस एक भी स्कूल का माफ हुआ? अच्छा, तो फिर वोट किस कारण करेगा सरकार को? तो आप तो चाह रहे होंगे ना कुछ की जो है कि मतलब परिवर्तन हो? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। कैसा ढंग का परिवर्तन चाहिए आपको? बढ़िया, अच्छा, पर जो नेता बिठाएगा उसी को दिया जाएगा वोट। अच्छा, जो नेता विधायक उसको जो बढ़िया हो। अच्छा चलिए, मुख्यमंत्री दूसरा होना चाहिए। चलिए, क्या अब जो है इनसे पूछते हैं, ये अंकल जी से, जैसा कि अभी आप सुने उन्होंने कहा कि जो है मुख्यमंत्री दूसरा होना चाहिए, तो इस पे आपका क्या विचार है? दूसरे होना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिख रही है कुछ जो है आंटी लोग दिख रही है, तब जो है कि चाची जी बताइए कि बिना मास्क लगाए कहाँ घूम रहे हैं? क्या करें, हम लोग बगैर मास्क के रोजे घूमते हैं। कहाँ रोज घूमते हैं, क्या करेंगे, कमाने के चक्कर में बगैर मास्क का घूमना पड़ता है। अच्छा, तो इस बार जो है कि चुनाव का समय चल रहा है चाची,
तो ये बताइए कि इस बार जो है कि कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? जैसा दस सब चाहेगा वैसा हम लोग का भी राय है। जैसा सब चाहेगा, आपका अपना राय क्या? हम लोग अपना राय कुछ हम लोग हाथ छाप को वोट देंगे। हाथ छाप को वोट दीजिएगा आप, बताइए दीदी जी आप वही छाप दीजिएगा। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग जो है भारत के युवा पीढ़ी है, तो आप लोग ये बताइए कि चुनाव का समय है और जो है कि आपके मन में क्या चल रहा है, मतलब चुनाव को लेकर के कैसा लेता हो, क्या परिवर्तन करते हैं? हम सब जानवे न करते हैं, काहे न जानवे करते हैं, कुछ तो जानना चाहिए ना आपको। चलिए इनसे पूछते हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट दिख रहे हैं, क्या नाम है बाबू आपका? अंशराम है मेरा। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9 में। अच्छा स्कूल खुल गया? हाँ खुल गया स्कूल। अच्छा तो आप ये बताइए कि जो अभी चुनाव का समय है, वोट होने वाला है, तो जो है कि आपके जो सत्ता में आने वाले हैं नेता मंत्री जो भी हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या राय विचार है? राय यही है, मतलब जिसकी भी सरकार आए, सरकार काम होता है काम करना, ये मतलब राज्य चाहती है कि यहाँ पे काम हो लोगों का, मतलब मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा तो कि वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। बेरोजगारी? हाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है अभी की, सबसे बड़ी समस्या है। तो जो भी सरकार है उसे यही कहना चाहूँगा बेरोजगारी सबसे पहले हटाए, क्योंकि जब बेरोजगारी हटेगी तभी मतलब देश आगे बढ़ सकता है, राज्य आगे बढ़ सकता है। चलिए इनका कहना है कि बेरोजगारी हटेगी तभी जो है कि आगे बढ़ेंगे, आगे जानते हैं एक का तो कहना है बेरोजगारी समस्या है। चाचा जी आप बताइए, उन्होंने तो कहा कि बेरोजगारी जो है कि सबसे बड़ी समस्या है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कैसा सरकार होना चाहिए? देखिए गहराई में अगर जाके देखा जाए तो नीतीश बाबू फेल है, लेकिन बीजेपी और मोदी जी के साथ रहने के वजह से अब इनका डिग्री हो गया है। अच्छा ये बात है, रोजगारी कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके पहले ये लोग कार पे चलते थे, ये लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। अच्छा भर दिया। नीतीश जी फेल है, नीतीश जी विकास के नाम पे कहीं कोई विकास नहीं हुआ। आप चले जाइए पीरपैंती से भागलपुर का रोड देखिए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, और नीतीश जी वहाँ लग रहा है विकास हम किए हैं, कुछ विकास नहीं किए हैं, खाली बिहार को कास्ट में बांटे हैं और कास्ट का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा चलिए, तब ये चाचा जी तो कह रहे हैं कि नीतीश जी बिहार को कास्ट में बांट दिए, कास्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप बताइए चाचा जी आपका क्या कहना है? ठीक है जो भी है सब ठीक है, सब ठीक है ना, सब ठीक है, सब ठीक है। आप बताइए भैया जी आपको क्या लगता है? सब जो है ठीक है, जो है ठीक है, मतलब कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। भागलपुर क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार मेरा नाम है। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? बांका से। अच्छा बांका से आ रहे हैं आप, ये बताइए कि जो है कि चुनाव का माहौल है, तो आपके मन में मतलब चल रहा होगा कि इस बार ये परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कैसा लगता है आपको? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए हाँ। अच्छा तो आपके मन में आपके लिए जो जनप्रतिनिधि की जो छवि है वो कैसी है, कैसा होना चाहिए? देखिए छवि तो अभी नीतीश कुमार जी का सही चल रहा है जी, आगे बढ़ के और काम होना चाहिए बढ़िया ढंग से, और स्थिति को और सुधार में लाना चाहिए, जो कि छोटे छोटे पहलू हैं उन पर ध्यान देना चाहिए उनको जी, जो कि आगे चल के भविष्य के लिए और अच्छा बने जी, जी, इनका तो कहना है कि आगे चल के भविष्य में जो है कि अच्छा बने वैसा काम होना चाहिए, इनकी नज़र में जो है नीतीश जी की छवि बहुत अच्छी है। चलिए और आगे जानते हैं आगे जनता की क्या राय है। चाची जी कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं, हमारे लिए क्या लाइएगा? जो कहिएगा लाएंगे, जो ले आइएगा प्यार से रख लेंगे। अच्छा उसको छोड़िए, आप ही बताइए कि जो है कि चुनाव का समय है, तो जो है कि आप किसको मतलब कि सपोर्ट करते हैं, आपको कैसा लगता है कैसा नेता होना चाहिए? सपोर्ट तो आप जिसको देने पड़ेगा देवे न करेंगे, तो अभी चुनाव तो देरी न है, हम लोग क्या क्या मतलब अभी तक में क्या 5 साल में जो सरकार थे पिछले 5 साल में क्या बदलाव हुआ और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? अब जो हुआ तो हुआ, अब आगे देखते हैं, वोट पड़ने पर होगा। अच्छा वोट पड़ने पर होगा। अच्छा चलिए चाची का कहना है कि आगे वोट पड़ने पर होगा, चुनाव का समय है चाची। माथा तकलीफ किस यो तोरो? किस गे कुछ बेचे कुचल जो हुआ दुख तकलीफ की बेचे छो? सब्जी। सब्जी बेचे छो? सही बताबक चुनाव का जो समय चली रहल छै त एहन समय में तू केहन नेता चाहै छो? जे बढ़िया नेता रहे, जे बढ़िया नेता रहे ना, हाँ हाँ। तो नजर में मतलब की केहन होय के चाहि नेता? हाँ। नेता जे चुनबो केहन होय के चाहि? हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल चाची तो कुछ समझे में नहीं आ रहा, अब हम क्या बोले, अब हम तो नहीं समझाएंगे। चलिए खैर इन सब ये बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा,
और आपके साथ जो है लगातार सिल्क टीवी पर आप देखते रहिए। अगले बार फिर मिलेंगे चुनाव की चटपटी गपशप के साथ। हाँ चाची, समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलिए चाची जी को नरेंद्र मोदी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप सबकी भौजी सोनम भौजी अगली बार फिर से एक नए टॉपिक पे, टॉपिक तो वही रहेगा चुनाव का, लेकिन फिर भी बातें अलग होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। चुनाव के रंग सोनम भौजी के संग देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिल्क टीवी पे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।